देश में कई सारी ऐसी दवाएं हैं जिन्हें नकली या फिर कह सकते हैं सब स्टैंडर्ड साबित किया गया है सीडीएसओ द्वारा। अब बड़ा सवाल उठता है कि एक आम जनता, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, और अगर आप मेरे से भी पूछें कि आप कैसे बताएंगे कि कौन सी दवा असली है कौन सी दवा नकली है, तो शायद मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना, और इसके लिए TV9 भारतवर्ष एक केमिस्ट शॉप पे पहुंचा है और हमारे साथ प्रियांश मौजूद हैं। प्रियांश, आप दिल्ली में जो पूरा ये मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम तरह की चीज़ों को आप देखते भी हैं, मैं एक पूछना चाहूँगा कि आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि एक दवा असली है एक दवा नकली है? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पहला कि जहाँ से आप दवा खरीद रहे हैं वो बैच वाइज खरीदें और बिल के साथ लें। दूसरा होता है कि इसमें बारकोड को, अगर जिस दवाई पे बारकोड है आप उस बारकोड को स्कैन करके देख लीजिए, क्योंकि बारकोड जब आप स्कैन करोगे तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपनी का पेज खुलेगा और कंपनी बता देगी कि ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस दवा की बात करूं, ये भी पैरासीटामोल है, ये भी पैरासीटामोल है, एक पे बारकोड है एक पे बारकोड नहीं है, है दोनों ओरिजिनल, कोई उसमें मतलब वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये भी आने वाले समय में इसमें भी बारकोड आ जाएगा। अब अगर इस बारकोड को स्कैन करोगे तो इसमें कंपनी का पेज खुल जाएगा। अब जैसे ये दवाई है इसमें बारकोड है, ये दवाई है इसमें बारकोड नहीं है, पर समय के साथ इनमें भी बारकोड आ जाएगा। मेन है कि बैच वाइज आप दवाई खरीदे जिस भी दवा विक्रेता से खरीद रहे हैं, और दूसरा कि अगर किसी दवाई पे उस पर बारकोड है तो उसमें से बारकोड स्कैन करके देख लीजिए आप। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है और मैं ये जो सामने वाली एक दवा है, इस दवा पे मैं इसका बारकोड स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। इस पे करो आप, इस पे यहाँ पे है, ठीक है, इस पे स्कैन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं स्कैन करता हूँ तो इसका जो है वो खुल जाएगा, एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं कि देश में तो कई सारी ऐसी दवाएं हैं या मैक्सिमम दवाई ऐसी जिसमें बारकोड ही नहीं है। देखो, 20-25% दवाइयों पे अगर आप रेशो करोगे तो 20-25% दवाइयों पे ही बारकोड है, लेकिन टाइम के साथ ये भी धीरे धीरे ही आया है और आने वाले समय में ये भी 25% भी हो जाएगा, पर ये धीरे धीरे ही आ रहा है। एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो बारकोड और तमाम तरह की चीज़ें, जैसे मैं ही अगर दुकान पे जाता हूँ तो मैं तो सीधा दवाई दिया, मैंने जेब में रखा, चला गया, मैं तो बारकोड भी नहीं देखता हूँ। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर दवाई बेकार है तो लोग बारकोड ज़रूर देखें? इसके लिए ग्राहक को अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जहाँ से भी आप दवाई खरीदो, पहली बात कि आप बिल ज़रूर लो, ज़्यादा फोकस डिस्काउंट पे मत करो, जो आपको मिल रहा है चाहे एक्सपायरी डेट जो भी मिल रहा है वो लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप बैच वाइज बिल के साथ और कोशिश करो कि अगर उसमें बारकोड है तो वो स्कैन करके देख लो। कई जगहों पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे 50% सस्ती दवाएं मिलती हैं, तो इन सभी जगहों पर गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है, चोरी की गुंजाइश ज़्यादा होती है? 110%। अगर 50% डिस्काउंट है, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन कर रखी है, जो पेटेंट दवाइयाँ होगी उस पे केमिस्ट को 25% से अंदर अंदर का मार्जिन होता है। अब अगर किसी को 20% पे वो दवाई, केमिस्ट को ही 20-21% पे दवाई मिल रही है, 15% पे मिल रही है, वो 50% पे कैसे दे सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब 50% पे मेरे हिसाब से तो पेटेंट पे मिलना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक जनता जब दवाई खरीदने आए तो सबसे पहले बार कोड देखे, दूसरा प्रॉपर बिलिंग करवाए अपनी, और दूसरा डिस्काउंट ले, पर जो सम्मानजनक हो, जितना एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उसमें मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा मिल रहा है तो 10 बार सोचे, 10 बार सोचे, गलती की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पर ये देखो ना, कोई चीज आपको जितने की आ नहीं रही उससे ज्यादा कैसे जा सकती है? तो एक बात बताइए, ये जो सरकार कह रही है कि सब स्टैंडर्ड दवा है, तो ये कंपनियां कैसे ले आती हैं मार्केट में? देखो, ये कंपनी की जितने भी ब्रांडेड कंपनियां है या जितनी भी वो है, ऐसे आना इम्पॉसिबल है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सपोज हम जैसे दवाई लेते हैं, अब इस दवाई में 2 सॉल्ट हैं, एक है 40 mg, एक है 12.5 mg। अगर इसमें 40 का 40 है और 12.5 का 12 है तो वो अनफिट आ जाएगी। तो पेटेंट दवाइयों का कानून यही है कि इनमें जितना लिखा है उतना ही, मतलब 99.9% होना चाहिए, 99% भी नहीं चलता, इस वजह से ये अनफिट भी कहलाती है कभी कभार, जैसे इस दौरान हो रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि दवाइयों को मतलब लेने से पहले 4 बार सोचें और तमाम तरह के पहलुओं को ध्यान। पैकेजिंग से भी पता चलता है क्या दवाई असली है नकली है? देखो, पैकेजिंग से तो ज़्यादा इसलिए नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि हर 6 महीने में या साल में कंपनी पैकिंग चेंज कर देती है ताकि उनकी डुप्लीकेसी कम हो या कोई अगर नकली बना रहो, इसलिए ये तो खैर कंपनी की अच्छी चीज़ है कि वो पैकेजिंग हर 6 महीने या साल में चेंज कर देती है।
तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टरों से ये पता चल सकता है कि दवा असली है या नकली है, लेकिन यकीन मानिए ये इतने शातिर होते हैं कि आप नकली दवा खरीद लेंगे, खा भी लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की दवाइयाँ निकल कर सामने आई है, चाहे पैरासीटामोल हो या फिर पैंडी हो या फिर मल्टीविटामिन हो, ये वो दवाएँ हैं जो घर घर की कहानी है। और इस कहानी में टीवी 9 भारतवर्ष आपको सिर्फ इतना अवेयर कर रहा है कि जब आप दवा खरीदने जाएं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला, दवाओं का बारकोड चेक करें, दूसरा, दवाओं का बिल ज़रूर लें, और तीसरा, बहुत बड़े डिस्काउंट के चक्कर में ना फंसें, उसमें कुछ अनहोनी हो सकती है।